वेल तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज पंकज। तो वेल आप लोग का स्वागत है नॉर्मी रेसलिंग में। बाकी इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं द बीस्ट इनकॉर्नेट ब्रॉक लेसनर को लेकर। आप सभी लोग जानते हो द बीस्ट इनकॉर्नेट ब्रॉक लेसनर कौन है और कितने खतरनाक सुपरस्टार है, वी ऑलरेडी नो। बट देखो यार, एक बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पर करने वाला हूँ, क्योंकि भाई ब्रॉक लेसनर को लेकर मैंने बहुत सारे कॉमेंट्स देखे मेरे कॉमेंट्स के नीचे, एंड इवन बहुत से लोग जो न्यूज़ चैनल या फिर कुछ भी होते हैं उनकी तरफ से जो भी न्यूज़ दी जाती है इवन डब्ल्यूडी के ऑफिशियल चैनल पे अगर चेकआउट करें तो ऑडियंस की जो हमेशा से डिमांड अभी रही है, जब से हमें ब्रॉक लेसनर काउबॉय वाले देखने को मिले हैं उसके बाद से यहां पर ऑडियंस की डिमांड, जो पुराना वाला द बीस्ट ब्रॉक लेसनर हमें 2019-2000 जो कि 16 के टाइम पे देखने को मिलता था, उसकी डिमांड जो है वो काफी ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई दी है। तो बाकी इसी वीडियो के अंदर हम लोग उसी चीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि भाई जो द बीस्ट इनकॉर्नेट ब्रॉक लेसनर उस टाइम वाले हमें देखने को मिलते थे, डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ पर क्यों डिमांड करना चाहिए, उनको लाना चाहिए वापस, ऑडियंस के डिमांड को सुनना चाहिए डब्ल्यूडब्ल्यूई को, ऐसा क्यों करना चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बाकी चैनल को अगर सब्सक्राइब करना बनता है तो भाई कर दिया करो, ठीक है, मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा बट कर दिया करो भाई सब्सक्राइब। ओके, बात कर लेते हैं वैसे टॉपिक की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को पता ही है द बीस्ट इनकॉर्नेट ब्रॉक लेसनर, उनका जो कैरेक्टर है करेंटली जो काउबॉय वाला कैरेक्टर देखने को मिला है उसको बहुत बार इस तरीके से यूज़ किया गया है डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से, जब से हमें उनका रिटर्न देखने को मिला है एज अ काउबॉय कैरेक्टर के तौर पर। तो उस कैरेक्टर को ऐसा यूज़ किया गया है कि भाई वो जो कैरेक्टर है एक तरीके से बर्बाद लग रहा है। मतलब देखो यार, ब्रॉक लेसनर वो वाले बीस्ट नहीं देखने को मिल रहे जो बीस्ट हमें देखने को मिलते थे। अगर आप लोग को पता होगा, मैंने अभी एक शॉर्ट वाली वीडियो डाली है जिस वीडियो के अंदर मैंने बताया कि भाई ब्रॉन स्टोमर, मार्क हेनरी एंड और अदर सुपरस्टार लाइक कितने बड़े जायंट सुपरस्टार हो, कैसे ब्रॉक लेसनर इन सभी को मारते थे, उस तरीके से वो चीज है अब हमें यहां पर ब्रॉक लेसनर की तरफ से नहीं देखने को मिल रही है। ना उस तरीके का ब्रॉक लेसनर का अटैक देखने को मिलता है, ना ही ब्रॉक लेसनर अब हमें उस कैरेक्टर के साथ में देखने को मिलते हैं जो हील पर्सोना उनका हमें 2016-17 के टाइम पे देखने को मिलता था। इवन आप लोग अगर यहां पर देखना चाहोगे तो रैंडी ऑर्टन वर्सेस ब्रॉक लेसनर 2016 का समर स्लैम का मैच भी आप लोग खोल के देख लो, तुम्हें खुद मालूम पड़ेगा कि भाई ब्रॉक लेसनर क्यों इतना इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, वो वाला कैरेक्टर जो ब्रॉक लेसनर का हम लोग मिस कर रहे हैं वो कैरेक्टर क्यों इतना इंपॉर्टेंट है और क्यों ब्रॉक लेसनर का नया कैरेक्टर जरूर डब्ल्यूडब्ल्यूई को एक बार फिर से वंस अगेन लाना चाहिए इस डब्ल्यूडब्ल्यूई के रिटर्न के साथ में, क्योंकि 2024 के अंदर नया साल है और ब्रॉक लेसनर ऑब्वियसली अब नए साल में नए तरीके से रिटर्न करने चाहिए। ब्रॉक लेसनर जिस तरीके से उन्होंने अपनी दाढ़ी बढ़ा रखी है ऑब्वियसली वो उसमें भी बैडस दिखते हैं, बट यहां पर ब्रॉक लेसनर को मुझे लगता है कि छोटी बहुत दाढ़ी जो है थोड़ी छोटी कर देनी चाहिए या फिर पूरा हटाई दे दाढ़ी, जैसे हमें ब्रॉक लेसनर 2016 वाले देखने को मिलते थे। तो उसके बाद हमें यहाँ पर वो जो ब्रॉक लेसनर था वो वाला ब्रॉक लेसनर हमें देखने को मिले जो 2016 में देखने को मिलता था, उस टाइप का कैरेक्टर देखने को मिले, या फिर ब्रॉक लेसनर हमें किसी नए लुक के साथ में अपना रिटर्न करते हुए दिखाई दे जाए और उस लुक के साथ में लुकिंग वाइज लुक तो देखने को मिले बट यहाँ पर उनकी जो बुकिंग है वो भी उस तरीके की करे डब्ल्यूडब्ल्यूई तो काफ़ी बेहतर हो सकता है। और ब्रॉक लेसनर के फैंस जो कि वन लास्ट टाइम जो चीज़ देखना चाहते हैं, जब लोग चाहते हैं कि यहाँ पर ब्रॉक लेसनर को उस तरीके से बुक किया जाए, वो वाला कैरेक्टर हमें देखने को मिले, ब्रॉक लेसनर को वो जो लास्ट रन अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई यहां पर प्लान कर रही है, ब्रॉक लेसनर का रिटायरमेंट प्लान कर रही है, तो ऐसे में यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई को ये डिसीजन लेना चाहिए कि एक ना एक बार ब्रॉक लेसनर को उस टाइप के कैरेक्टर में लेके आया जाए जिस टाइप के कैरेक्टर में हमेशा से ऑडियंस का और पब्लिक का डिमांड रहा है। सो लेट्स सी भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको लेकर क्या कुछ करते हुए दिखाई देगी, क्या हमें ब्रॉक लेसनर का वो वाला कैरेक्टर देखने को मिलता है या फिर नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि ये तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ब्रॉक लेसनर यहां पर क्या करना चाहते हैं क्या नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि कैरेक्टर में यहाँ पर कोई भी कैरेक्टर नया कैरेक्टर हो उसको लाने के लिए जो कैरेक्टर को निभा रहा है, यानी कि जो एक तरीके से कहे तो सुपरस्टार हो गया या फिर एक तरीके से कहे तो जो यहाँ पर क्रिएटिव टीम हो गई, क्रिएटिव प्रोसेस हो गया, इन सारी चीज़ों का सहमत लेना पड़ता है। जब सारी चीज़ें एक पाथ पे होती है तब जाके हमें कोई चीज़ क्लियरेंस तरीके से देखने को मिलती है कि हाँ अब ये चीज़ों पर काम करना है तो अब इस चीज़ों को आगे लेके जाया जाए। तो अगर ब्रॉक लेसनर का कैरेक्टर चेंज होता है तो डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ पर कुछ बड़े चेंजेस करे जिसमें हमें ब्रॉक लेसनर की बुकिंग से लेकर उनके जो मतलब ऑब्वियसली जो उनका प्रेजेंस है, जो हील पर्सोना देखने को मिलता था, एंड इवन यहाँ पर जो ब्रॉक लेसनर खतरनाक वाले हमें देखने को मिलते थे उस टाइप के ब्रॉक लेसनर को, अग्रेसिव ब्रॉक लेसनर हमें यहाँ पर देखने को मिले 2024 के अंदर। बाकी डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर ही तो डिपेंड करता है सारी चीज़ें, क्योंकि हम तो कुछ कह नहीं सकते, हम बस यहाँ पर आके माइक पर बोल सकते हैं, बट डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ पर जो करना चाहे ट्रिपल एच स्पेशल
ऑनेस्टली जो करना चाहे वो कर सकते हैं, क्योंकि ब्रॉक लेसनर, वो वाले ब्रॉक लेसनर अब नहीं देखने को मिलते जो हमें देखने को मिलते थे। वेल देखो यार थोड़ा गड़बड़ हो गया रहेगा, तो देखो वी वॉन्ट कि भाई वो वाला ब्रॉक लेसनर आए। सो लेट्स सी मतलब कब तक ये WWE इसको लेकर कुछ करते हुए दिखाई देगी, या फिर ब्रॉक लेसनर हमें वही सेम जो काउबॉय वाला कैरेक्टर है उसी के साथ वापस देखने को मिलते हैं। वो तो अभी रॉयल रंबल के अंदर पता चलेगा, या फिर रॉयल रंबल से पहले अगर वीकेंड में आते हैं रॉ या फिर स्मैकडाउन के अंदर, तो वहां पर पता चलेगा कि भाई ब्रॉक लेसनर का अभी एक कौन सा कैरेक्टर आएगा, या फिर ब्रॉक लेसनर हमें वही काउबॉय वाले ब्रॉक लेसनर देखने को मिलेंगे। मुझे लगता है कि जहां तक ये फेस वाले ब्रॉक लेसनर हो सकते हैं, क्योंकि WWE ने लास्ट टाइम जो हमें स्टोरी लाइन दिखाई दी थी कोडी रोड्स के साथ में, वहां पर लग रहा था कि भाई ब्रॉक लेसनर रिटायरमेंट ले चुके हैं, मतलब जिस तरीके से उन्होंने हैंड रेज किया था, बट चीज़ें यहाँ पर उस तरीके से गई नहीं है। तो WWE यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें कर सकती है जो कि मे बी उनके नए कैरेक्टर के साथ में कुछ देखने को मिले। बाकी आपका ओपिनियन क्या है इन सारी चीज़ों को लेकर, ब्रॉक लेसनर को लेकर क्या कहना चाहोगे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जो भी करना कर सकते हो। इंस्टा, ट्विटर, व्हाट्सएप चैनल सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर फॉलो कर लो। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन गाइस।